लोगों के होश उड़ गए जब मिट्टी और पत्थरों की जगह अचानक एक के बाद एक इंसानों की खोपड़ियां निकलने लगी। यहाँ खुदाई में एक दो नहीं बल्कि 115 कंकाल मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चों के हैं और उनके मुंह में सिक्के मिले हैं। दरअसल जिस जगह सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ 16वीं शताब्दी का एक प्राचीन कब्रिस्तान एक जंगल में मिला है, जिसे सड़क बनाने के लिए हटाया जा रहा था। यह जगह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का हिस्सा है जो ग्रीस से लिथुआनिया तक फैला हुआ है। कब्र से जितने भी अवशेष मिले हैं उनमें से कम 70% कंकाल बच्चों के थे। ये सभी अवशेष 16वीं शताब्दी के हैं। जानकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी में मृतक लोगों के मुंह में सिक्के रखे जाते रहे होंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जीवित और मृत लोगों की दुनिया को विभाजित करने वाली नदी के पार आत्मा को लाने के लिए भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। पुरातत्वविद ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि सभी अवशेषों की पीठ जमीन पर थी, एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर रखे हुए थे और इनके मुंह में अभी कुछ सिक्के थे। ऑब्जर्वर जॉन ब्यूरो।